बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार सेंटर कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके होंगे, सिर्फ 7 दिनों में बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार सेंटर दिया जा रहा है और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम यही क्लियर करके जानेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आप आधार सेंटर कैसे लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बताएंगे कि इसके थ्रू आपको आधार सेंटर कैसे लेना है। तो इससे पहले आप सभी से निवेदन करेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करना चाहते हो जरूर से जरूर डिसलाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साइट पर आ जाना है, तो पहले प्रोसेस जान लीजिए, उसका बाद आपको साइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो प्रोसेस हमारा क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आ जाना है और इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अदर सर्विस, अदर सर्विस पे क्लिक करना है। अदर सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आधार सेवा केंद्र। तो सिंपल से हम इसके बारे में सारे जानकारी जानते हैं। तो यहाँ पे हम नो मोर पे क्लिक करते हैं। नो मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है आधार सेवा केंद्र का। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आधार सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू हमें दिया जाएगा, तो उसमें कौन कौन से सर्विस हमें दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको यह बता दें कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार सेवा केंद्र लेते हैं तो यहाँ पे फ्रेश इनरोल यानी कि न्यू आधार इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद आधार में अपडेट का काम कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेटिव एड्रेस, फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप आधार कार्ड में सुधार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है फाइंड एंड प्रिंट योर आधार। तो जिनका यहाँ पे आधार कार्ड गुम हो चुका है, उनको आधार नंबर भी पता नहीं है और किसी प्रकार का उनके पास आधार नंबर या किसी प्रकार का उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनका आधार कार्ड आप फाइंड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 5 से 15 साल के बच्चों का यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए कि बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू जो आधार कार्ड सेंटर दिया जाता है उसमें सारा एक्सेस कर सकते हैं, जो आधार कार्ड में दिया जाता है वो सारा एक्सेस कर सकते हैं। या तो कुछ सर्विस हुई जो बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार कार्ड सेंटर प्रोवाइड करने में दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आधार सेंटर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है अदर लिंक। अदर लिंक पे क्लिक करना है। अदर लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक पीडीएफ डाउनलोड होकर आ जाता है। तो यहाँ पे यह पीडीएफ हमारा कुल 38 पेज का है। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है कि आप का स्टेट कौन है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आपका पिन कोड क्या है। सिंपल सा आपको यहाँ पे बारीकी से ढूंढ लेना है कि आप किस स्टेट से आते हैं, पिन कोड क्या है और आपका एरिया क्या है। तो आप यहाँ पे इतना क्या पढ़ने जाएंगे, सिंपल सा आपको कंट्रोल एफ डालना है। कंट्रोल एफ डालने के बाद यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करना है। अपना पिन कोड डालकर यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि जो आधार जो पिन कोड आपको इस पीडीएफ में मिल जाता है उस पिन कोड पे ऑलरेडी आधार कार्ड सेंटर प्रोवाइड कर दिया गया है, तो उस पे आप वर्क नहीं कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन भी वीडियो के आगे बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। तो यह तो ही हमारा बात कि पिन कोड यहाँ पे ढूंढना है, और यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे मैच कर लिया जाता है और नहीं मैच कर लिया जाता है तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो उसके बाद यहाँ पे पिन कोड ढूंढने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नो अबाउट द डॉक्यूमेंट लिस्ट रिक्वायर्ड, कि आधार कार्ड सेंटर में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा दो तरह का पीडीएफ ओपन हो जाता है, यानी कि जब आप वो आधार का वर्क करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और सेकेंड में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नो मोर चार्जेस, तो यहाँ पे इनरोल के चार्जेस और सारा चीज के चार्जेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे पीडीएफ में हमारा पिन कोड मैच कर चुका है या नहीं किया है, तो हम आधार सेंटर कैसे अप्लाई करेंगे। तो आधार सेंटर अप्लाई करने के लिए आपको दो तरह का प्रक्रिया होता है, एक तो ऑनलाइन होता है, दूसरा ऑफलाइन होता है। तो ऑनलाइन के लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नीम असिस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम फिल करना है और लास्ट नेम फिल करना है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर फिल करना है, पिन कोड फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है, और सर्विस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है आधार सेवा केंद्र। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के 1 हफ्ते के अंदर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कॉल आएगा और आपका लोकेशन वहाँ पे सर्च किया जाएगा, यानी कि जाँच किया जाएगा। अगर आप आधार सेंटर के लिए एलिजिबल होंगे तो 7 दिनों के अंदर आपको आधार सेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यह तो ये हमारा ऑनलाइन प्रोसेस। और बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन क्या करना है। और यहाँ पे
अगर 7 दिनों के अंदर आपको कॉल नहीं आता है तो आप टोल फ्री नंबर पे डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, और डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं कि आधार कार्ड सेंटर लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और कैसा प्रोसेस है। और चलिए बात कर लेते हैं कि ऑफलाइन प्रक्रिया क्या होता है। तो ऑफलाइन प्रक्रिया यही होता है कि अपने ब्रांच मैनेजर से कंटेक्ट करना है, जो भी आपके नियर में बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है, सिंपल से आपको वह ब्रांच में जाना है। ब्रांच में जाने के बाद ब्रांच मैनेजर से कॉन्टेक्ट करना है कि हमको बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार सेंटर चाहिए, हमको क्या क्या प्रोसेस हो रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट है। तो वहाँ पे बैंक ऑफ ब्रांच मैनेजर से आपको सारा डिटेल्स बताया जाएगा कि आपको कैसे लेना है। और यह काम आपको अगर आप जितने जल्दी करवा लेते हैं उतने जल्दी आपको आधार सेंटर बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू मिल जाएगा, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि इनरोल करना स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कॉन्टेक्ट कीजिए और आधार सेंटर के लिए अप्लाई कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि तो वहाँ पे हमारा पिन कोड मैच हो चुका है, हम उस पर कैसे दूसरा आधार सेंटर लेंगे। तो वही प्रोसेस आपको बताना है बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर को, और उनको बोलना है कि हमको इसी पिन कोड पे हमें गांव में चाहिए, और यह शहर में शहर में है तो हमको गांव में चाहिए। वह सारा डिटेल्स आपको बताएंगे कि कैसे लेना है। अब बात कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू जो हमें आधार सेंटर दिया जाता है, क्या हम अपने घर पे काम कर सकते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा में ही बैठकर काम करना। तो यहाँ पे आपको यह क्लियर कर दे कि आप आधार कार्ड सेंटर बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू लेते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP चलाते हैं तो आप अपने ब्रांच पर, यानी कि आप अपने साइबर कैप पर ही काम कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू ब्रांचेस से लेते हैं तो आपको ब्रांच में बैठकर काम करना पड़ता है, आपको घर ले जाने की इजाजत नहीं होती है ID को। तो यह तो ही हमारा बात बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू आधार कार्ड सेंटर कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं और लाते रहेंगे।